दोस्तों इस 9 मिनट 38 सेकंड की वीडियो में माता वैष्णो देवी के कुछ यादगार पल आपको दिखाने चाहें, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों हम कितने बढ़िया टाइम पे आए हैं, ये यात्रा पर्ची देखो, कभी इतनी खाली नहीं देखी, और बिल्कुल खाली, और ऊपर दर्शन भी हमारे बहुत बढ़िया होने हैं, तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये सिर्फ हमारे सैगल साहब और मोरिया जी का प्रकोप है कि कोई दर्शन करने नहीं आया, सबको चल गया, ये आ रहे हैं, तो ऊपर भवन भी पूरा खाली होगा। दोस्तों जो हमारे टूर के मैनेजर है ये मोरिया साहब है, और इन्होंने रात से कुछ नहीं खिलाया और ऐसी भूखा घुमा रहे हैं हमें। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आई, दिल्ली में तो ये हाल हो रखा है, यहाँ कौन सी लाइन डल रही है, जो यहाँ भी खोदा खोदा खादी चल रही है, समझ में नहीं आया। मतलब देखो आप देख सकते हो पूरे, मतलब खोद रखा कौन सी पाइपलाइन डल रही है ये समझ में नहीं आया यार मुझे, सब जगह एक ही जैसा हाल कर रखा। और हम जा रहे हैं अपने फेवरेट होटल, तो ये हमारे सोनू भाई हैं, आराम से सो रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं इनको, पता नहीं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है, अभी उठ के तैयार हो गए, कह रहे फोन तो कर देते। और वरुण भाई कैसा लग रहा है? नहीं लग तो बहुत अच्छा रहा है, पर गर्मी बहुत है। अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, कितना आए हैं, आधा 1 किलोमीटर आए हैं, पर गर्मी इतनी ज्यादा है बस बता नहीं सकते यार, गर्मी से ना बड़ी थकावट हो रही है। हमारे फिट मैन यंग मैन ये भी कह रहे थकावट हो रही है, तो बात नहीं, जय माता का नारा लगाते रहो, चलते रहो, चलो जय माता दी। जहाँ जहाँ शेड लगी हुई है, छाया है, वहाँ तो बहुत आराम है, और जहाँ जहाँ शेड नहीं है, धूप है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लगभग मेरे हिसाब से 45 टेम्परेचर होगा। तो मेरी श्राइन बोर्ड वालों से ये दरखास्त है, ये अपील है, सब में शेड लगा दो, सब में, और जय माता दी, खर्चा बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, पर सब में शेड लगा दो, क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है गर्मी में ना, बड़ा झेला नहीं जा रहा, पर कोई नहीं, माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बोल माता रानी की जय। जय माता दी। ये सैगल साहब कभी थकने वाले नहीं थे, ये भी थक रहे, तो श्राइन बोर्ड कृपया ध्यान दें, जहाँ जहाँ शेड नहीं है शेड लगवाएं। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े व्यापारी यहाँ आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, कुछ कहेंगे सैगल साहब आप? नहीं आ जाओ आप, कुछ नहीं कहेंगे। टेम्परेचर कम से कम 45 डिग्री होगा, तो मेरा मानना यह है या तो सर्दियों में आओ, और गर्मियों में आ रहे हो तो रात को चढ़ाई करो, इतने फिट लोग हिम्मत हार गए तो हम क्या चीज है, फिर भी कोई बात नहीं, हिम्मत मैं क्यों हारूं माता। आप देख सकते हो सब थक चुके हैं, इतनी गर्मी है, बस एक आदमी जो आप देख रहे हो मैन इन ब्लू, डीपी का पजामा और डीपी की टी शर्ट, जोशी अलग है पहन के। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है शरीर में पानी की कमी है, तो मैं नींबू पीऊंगा, हो सकता है कुछ ताकत आए, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आई लाइक इट। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। सैगल साहब जैसे काम में जोश रखते हो, रात में जोश रखते हो, नोट गिनने में जोश रखते हो, ऐसी जोश माता रानी के दर्शन में रखो, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, खूब तरक्की करोगे, जोश रखो, हिम्मत बताओ, चलो। दोस्तों अभी अभी हमारे सैगल साहब के मोबाइल पे मैसेज आया, बोनी हो गई है, इसी खुशी में सैगल साहब कुछ है और डांस कर रहे हैं। भंगड़ा पाले आजा आजा, भंगड़ा पाले। दोस्तों हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, और हिमकोटी मार्ग से होते हुए भवन जा रहे हैं, बोलो शेरावाली माता की जय, जय वाली माता की जय, कालका मैया की जय, बोल बाबा बालकनाथ की जय, जय श्री राम, बोल मेरे बाके बिहारी लाल की, मेरी लाज रखना मैया बेटे का, तुम ध्यान रखना
या देवी सर्व भूते। ये गुरुजी हमारे शर्माते हुए पब्लिक देख रही है। दोस्तों हम पब्लिक से ऊपर उठ चुके हैं, पब्लिक देखने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देख रहा है देखने दो। बोलो जय माता दी। ये हमारे मौर्या साहब हैं और इनको देख के गाना याद आ रहा है, ये वाला। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। माता रानी के आशीर्वाद से भवन सिर्फ अब 2.5 किलोमीटर रह गया है। सारी मुश्किलों को चीरते हुए पहुंचने वाले हैं भवन। तेरी दया पर ये दोस्तों बिल्कुल रश नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, और दर्शन बहुत अच्छे होने की उम्मीद है। क्या बात है, जय माता जी। दोस्तों बहुत सही टाइम पे हम आए हैं, मतलब इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं कैसे तुम्हारी शरण। फाइनली दोस्तों भवन पहुंच चुके हैं, और जैसे नीचे इतनी गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, हालत खराब हो रही थी, पर एक दिल की बात बताऊं, भवन पहुंचने के बाद जो फीलिंग होती है यार, वो फीलिंग ही अलग होती है। और जो ये फीलिंग है यार, इस फीलिंग को बता नहीं सकते यार, मतलब एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है यार भवन पहुंचने के बाद, सीरियसली यार। जय माता दी। दोस्तों मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार वैष्णो देवी आया हूँगा, पर आज माता के आशीर्वाद से और मेरे बड़े भाइयों के कर्मों से आज इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि जीवन में कभी नहीं हुए, जीवन में कभी नहीं हुए इतने बढ़िया दर्शन। बिल्कुल मंदिर खाली था, बिल्कुल मंदिर खाली था, ऐसी उम्मीद भी नहीं करी थी कि लाइन में 100 आदमी भी नहीं था, 100 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो बहुत ही अच्छे दर्शन। और दिल आज इतना खुश है मैं बता नहीं सकता, बहुत प्रसन्न है दिल। और सैगल साहब, मौर्या साहब, अग्रवाल जी, क्या कहना चाहोगे, दो बात आप भी कह दीजिए। जय माता दी। सब माता की कृपा, और क्या है, इसी की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। जय माता दी। माता जी ने बहुत ज्यादा बढ़िया दर्शन दिए, बेहतरीन दर्शन। वैष्णो माता कृपा बनाए रखना, जाने अनजाने में कोई मेरे से भूल हो गई हो तो क्षमा करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके दुखों का निवारण करना, सबको अच्छी बुद्धि देना, सबको सुख शांति देना। जय माता दी, जय माता दी, कृपा बनाए रखना, जय माता दी। हर ख्वाहिश होती है, सबकी हर ख्वाहिश होती है, गम सारे मिट जाते जाते। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन के बाद फाइनली भैरव बाबा आ गए हैं पैदल चढ़ के, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो हो रही है, पर जब दर्शन होते हैं तो यार वो सब दिक्कतें, वो सब परेशानी दूर हो जाती है। और ये जो गुण है किसने सिखाया है, हमारे सैगल साहब ने। बिना परेशानी और बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता, ये हमारे सैगल साहब कहते हैं। और ये अग्रवाल जी कहते हैं जीवन का दूसरा नाम ही कष्ट है। तो ये सोचो कितने उच्च विचार के ये लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। तो अच्छे विचार रखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, और सबके साथ अच्छा करिए। जय माता दी, बोल भैरव बाबा की जय। आती खुशहाली है। दोस्तों आप लोगों के और माता रानी के आशीर्वाद से, प्यार से बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और अब हम वंदे भारत पकड़कर वापस दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी।